हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रणवीर गैरेज। दोस्तों, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मारुति डिज़ायर को अब CNG में भी लॉन्च करने वाले हैं, और गेस व्हाट, आज अगले ही दिन उसे लॉन्च कर दिया गया है भारतीय मार्केट में। और अगर इसकी पावर फिगर्स की मैं बात करूं, तो जो CNG मोड में है 57 किलोवाट्स की पावर रहेगी, और नॉर्मल पेट्रोल के मोड में 66 किलोवाट्स की पावर होगी। और अगर RPM की बात करें तो ये लगभग 6000 RPM के आसपास मिलेगी आपको। और अगर टॉर्क फिगर्स की बात करें तो जो नॉर्मल है CNG, उसमें 98.5 का टॉर्क मिलेगा आपको न्यूटन मीटर्स का, और पेट्रोल मोड में 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा। इसकी अब प्राइसिंग की बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे दो मॉडल्स में लॉन्च किया गया है। LXi नहीं है इसमें, ZXi प्लस नहीं है, सिर्फ दो वेरियंट्स हैं, VXi और ZXi, जिसमें VXi बहुत ज़्यादा बिकता है, आपको मालूम ही होगा मारुति में। अब इसकी प्राइसिंग दोस्तों, मैं तो खुश नहीं हूँ उस पर, मैं रीज़न आपको बाद में बताऊँगा। प्राइसिंग है VXi की 8.14 लाख एक्स शोरूम और 8.82 लाख एक्स शोरूम फॉर द VXi एंड ZXi मॉडल्स। ये है प्राइसिंग, लॉन्च हो गई गाड़ी, एवरीथिंग इज़ गुड। ठीक है, अब यहाँ पे बात वही शुरू होती जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप CNG अगर आप ख़रीदते हो तो आज के टाइम में CNG भी कोई सस्ता नहीं रह गया है। ठीक है, अगर पेट्रोल 90 रुपये है और 100 रुपये है, तो ये भी 70 रुपये की दर में पहुँच चुका है और हाई हो गई। जैसे पेट्रोल डीजल के भी प्राइसेस हाई होंगे इस वॉर की वजह से, यूक्रेन रशिया की वजह से CNG की प्राइसेस भी, नेचुरल गैस की प्राइसेस भी हाई होंगे। अब आप कंपेयर करो VXi के प्राइस को, लगभग आपको गाड़ी मिल जाती है 8,04,000 रुपये में ऑन रोड पड़ जाती है गाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर एक शोरूम प्राइस ही 8.14 लाख है, तो आप जो 1,00,000 रुपये तक एक्स्ट्रा दे रहे हो उसका वर्थ कहाँ मिलता है आपको? आपको मज़ा तो आता नहीं गाड़ी को चलाने में किसी भी हालत में, आप सब जानते हो, है ना, मज़ा नहीं आता गाड़ी को चलाने में, पावर में बैठ ही जाती है कहीं ना कहीं गाड़ी, कितना भी आप बोल लो। फिर उसको, उसकी भी प्राइस यहाँ पहले आप ख़रीदते हो तब आप इतना 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, मज़ा नहीं आता। फिर उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है ना, 500-600 किलोमीटर की रेंज तो होती नहीं है मोस्टली, 14 किलो CNG आएगी, मतलब आपको बार बार उसको भराना भी पड़ता है, उसकी लाइन में आप लगते हो। फिर आप उस 1,00,000 रुपये वसूलने के लिए आपको कितनी गाड़ी चलानी पड़ेगी, है ना। तो मैं तो आज CNG को भी पेट्रोल डीजल उसी लाइन में रखता हूँ, कोई सस्ता नहीं रह गया CNG, और इन तीनों में से जो मेरा परफेक्ट चॉइस रहती है हमेशा से डीजल ही है। आपको डीजल में कई मॉडल्स में 1,00,000 रुपये तक एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, 20-30-40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के भी आपको डीजल मॉडल्स मिल रहे हैं इन कंपेरिजन टू पेट्रोल, तो आपको उतना नहीं वसूलना होता 1,00,000 रुपये जितना। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको जो मज़ा आता है डीजल चलाने में आप जानते ही हैं, CNG पेट्रोल कोई कभी मैच नहीं कर सकता उस पर, डीजल का जो मज़ा है वो अलग ही है। तो आपको इनिशियली प्राइस 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा कई मॉडल्स में नहीं देनी पड़ती, तो आपको उतना चलाना नहीं पड़ेगा, और चलाते हुए तो इट्स गुड, बट वसूलने का टेंशन नहीं होगा, और आपको मज़ा भरपूर आने वाला है। आपको ये नहीं है कि बार बार आपको रिचार्ज कराना है, फुल कराना है, क्यों, आपने एक बार फुल कराया है और आप यू आर गुड टू गो फॉर एटलीस्ट 600-900 किलोमीटर तक, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 600 में कम ही बोल रहा हूँ, अगर टंकी बड़ी है तो 900, नहीं तो 700-800-900 तो आपको रेंज मिलती है। तो डीजल की बहुत सारे एडवांटेजेस है, और डीजल पेट्रोल से सस्ता है, हाँ CNG से महंगा है, बट पेट्रोल से सस्ता है और माइलेज अच्छी देता ही है। तो ये है, मैं डीजल ही रिकमेंड करूँगा, अगर लाइफ कम भी है ना, 10 साल की लाइफ भी है ना, तो अगर आप रनिंग ज़्यादा ले रहे हो तभी तो माइलेज के लिए सोच रहे हो, आप 5-6 साल चलाइए उसके बाद बेच दीजिए उसे वसूल करके। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, और वीडियो ये था आज का। बाकी मैं नहीं समझता 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा देना CNG के ऊपर बढ़ता है, मैं नहीं समझता, बट खैर डिज़ायर लॉन्च हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा प्यार सपोर्ट दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपके प्यार के बिना कुछ भी नहीं है। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।